नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म द व्हाइट टाइगर में राजकुमार राव अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस के साथ जल्द ही काम करेंगे और इस पर राजकुमार का कहना है कि उन्हें प्रियंका संग काम करने का बेसब्री से इंतजार है। इसके साथ ही राजकुमार को इस बात की भी उम्मीद है कि फिल्म के लिए शूटिंग करने के दौरान दोनों साथ में एक अच्छा वक्त भी बिताएंगे। मुंबई में बुधवार को अपनी फिल्म मेड इन चाइना के ट्रेलर लॉन्च के दौरान राजकुमार ने मीडिया के साथ बात की। इस दौरान उनके साथ फिल्म की उनकी सहकलाकार मौनी रॉय व निर्देशक मिखेल मुसाले व निर्माता दिनेश विजन भी मौजूद थे। द व्हाइट टाइगर मेन बुकर पुरस्कार विजेता अरविंद अडिगा द्वारा इस नाम से लिखित उपन्यास पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचारों को साझा करते हुए राजकुमार ने कहा, I'm very excited, sir. It's a great book and a great story. And I met Ramin, our director, and he's a great guy. I'm really looking forward to start working on it pretty soon. Yeah, I have. And Priyanka, I think is phenomenally talented. So I think we'll have a good time together. Made in China में राजकुमार रघु नाम के एक गुजराती व्यवसायी की भूमिका में नजर आएंगे। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उनका कहना था, रघु is one of my most exciting parts that I've played till date. मुझे बहुत मन था हमेशा से कि एक बिजनेसमैन की एक कहानी करने को मिले और ऊपर से गुजराती, हालांकि कायपुछे में था, बट उसमें बहुत ही सटल रखा था हमने। बट हियर आई हैड अ चांस टू गो ऑल आउट और मैं अहमदाबाद में रहा। मिखिल खुद गुजराती जानते हैं और गुजरात में पले बड़े हैं, तो आई थिंक करण नीरेन भाई सब ने इतना अच्छा वर्ल्ड क्रिएट किया ना गुजरात का कि आई स्टार्टेड स्मेलिंग गुजरात इन माई स्क्रिप्ट इन द ऑल द कैरेक्टर्स। व्हेन यू विल सी द फिल्म ऑल्सो आपको लगेगा कि आप वहीं उसी शहर में इन सबके बीच में ही हैं। आप बाहर से फिल्में देख रहे हैं, आप वहीं खड़े होकर इनकी जर्नी को इनके साथ साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। So I had an amazing time shooting for this film. Made in China में मौनी रॉय, बोमन ईरानी, परेश रावल और गजराज राव भी अहम किरदार में शामिल हैं। यह फिल्म इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। INS रिपोर्ट।